आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडिंग का प्रयोग करना। यदि हमारे पास इस तरह से कुछ मैटर लिखा हो और इसे हमें हेडिंग में बनाना हो, तो इसके लिए जिस मैटर को हेडिंग में बनाना होता है उसे सेलेक्ट करके होम टैब के स्टाइल्स में आने वाले अलग अलग ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि हमें प्राइमरी मेमोरी को हेडिंग बनाना है तो इसे हेडिंग वन पर क्लिक करते हैं। इसी प्रकार अगर हमें सेकेंडरी मेमोरी को हेडिंग बनाना है तो इसे भी सेलेक्ट करके हेडिंग वन पर क्लिक करते हैं। रैम और रोम जो कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं, अगर इसे भी हेडिंग बनाना है तो ये हेडिंग टू होगा। रोम ये भी हेडिंग टू होगा। मेन हेडिंग हेडिंग वन होगा और हेडिंग वन के अंदर आने वाले हेडिंग को हेडिंग टू की श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार यदि रैम के पार्ट के बारे में लिखा जाए, जैसे डी रैम, एस रैम, तो इसे हेडिंग थ्री के अंतर्गत रखा जाएगा इस प्रकार। और अगर हम चाहते हैं कि जो ऊपर लिखा गया मैटर है ये हमारा टाइटल हो, तो इसे सेलेक्ट करके टाइटल पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार लिखा गया मैटर आपका हेडिंग और टाइटल के रूप में फॉर्मेट हो जाता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।